दानापुर दियारा का दर्द दियारा में रहने वाले लोग ही जानते हैं। आजादी के बाद विकास यहां नाम मात्र की है और आज भी लोग जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ जाते हैं। दियारा में 6 पंचायत हैं और लगभग 80,000 लोग यहां रहते हैं। इन सभी को जोड़ने के लिए एकमात्र पीपा पुल ही सहारा है। पीपा पुल के रास्ते ही दियारा का आवागमन सुगम हो पाता है, लेकिन ये सुगमता चंद दिनों के लिए है रहती है, उसके बाद जिंदगी और मौत का रास्ता नाव अपनाना पड़ता है। आजादी के बाद से ही दियारा के लोगों को यह आस जगी थी कि दियारा का विकास होगा, लेकिन कई दशक बीत गए, दियारा का विकास नहीं हो पाया। 1992 में लालू यादव के सरकार में लालू यादव ने दियारा को पीपा पुल की सौगात दी और उसके बाद दियारा की थोड़ी रफ्तार बढ़ी, लेकिन पीपा पुल महज चंद दिनों के लिए ही जोड़ा जाता था, जिसकी वजह से दियारा के लोगों ने पीपा पुल के जगह पक्का पुल का मांग उठाना शुरू कर दिया। आज भी लोग पीपा पुल चालू होने के बाद भी पक्के पुल की मांग करते हैं। उनका कहना है कि पक्का पुल का वादा लालू यादव ने चुनाव के दौरान किए थे, अब उनकी सरकार है और उनके पुत्र उप मुख्यमंत्री हैं, तो शायद उनके वादों का ख्याल रखते हुए पक्का पुल बना दे। लेकिन अभी तक इस पीपा पुल को पक्का पुल में बदलने के लिए किसी भी तरह की शुरुआत नहीं की गई है, जिससे दियारा वासियों को पक्का पुल मिलने की संभावना फिलहाल कम ही लगती है। लालू जी जीते से तभी से मांग थे, तो टीपा पुल बनाए, जीते तो पक्का पुल की मांग था। दिक्कत यही है कि बाढ़ में पानी जब आ जाती है तो नाव की व्यवस्था से दी जाता है। पक्का पुल बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब रात में अगर जो इमरजेंसी बीमरिया हो तो इधर मरबे न करे, कोई साधने नहीं, बे टाउन गए साधने नहीं मिलता है, बीचे में जाए जाए बच्चा मर जाएगा, जो बचने वाला बच्चा है वो भी मर जाता है। टाउन वाला तो लगले लोग चल जाता है, दियर के कोई व्यवस्था ही पुलों ना व्यवस्था होता। अब तो ये रोड ना है कि भाई पानी आने पर अब बढ़ के वो हाजीपुर पुल बन गया, तो समझिए कितना व्यवस्था हो गया। हाजीपुर से लोग बीमरिया लेकर दानापुर आती है, यहाँ से चल जाती है हाजीपुर चल जाती है। इसी पक्का पुल बनना चाहिए, बहुत जरूरी है। दानापुर दियारा की बात की जाए तो ये है दानापुर विधानसभा क्षेत्र का अंग रहा है और इसमें फिलहाल राजद के विधायक रीतलाल यादव है। पूर्व में मुख्यमंत्री व रेल मंत्री रहे राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी विधायक रह चुके हैं। रामानंद यादव जो अभी कैबिनेट के मंत्री हैं विधायक रह चुके हैं। बीजेपी के सरकार में भी आशा सिन्हा यहां की विधायक रह चुकी हैं। दर्जनों विधायक यहां जीतकर आए और फिर चले गए। दियारा के लोगों से वादा किया और वादा पूरा नहीं किया। आज भी दियारा के लोगों को लगता है कि हम चुनाव के दौरान नेताओं के वादे से ठगे जाते हैं। हमारे दियर में एक ही प्रॉब्लम बहुत है कि यहाँ पर पढ़ाई का भी बहुत दिक्कत है और अस्पताल हॉस्पिटल ये सब बहुत दिक्कत हम लोग का हो जाता है, और बाढ़ के समय में भी हम लोग का दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सब बाढ़ में से पानी से सब डूब जाता है, घर तक भी पानी चला जाता है हम लोग का, यही हम लोग का दिक्कत है। और हम लोग को जो मकान है जो कटाव में पड़ता है, हम लोग का कटाव से भी दिक्कत है। हम लोग को शहर में पढ़ाई करना पड़ता है, दियर में तो सुविधा है नहीं, आगे दियर में तो कॉलेज वॉलेज है नहीं, कहीं हाई स्कूल है जो इंटर तक ले है, उसके बाद जो बीए बीएड जो करना है सो कॉलेज से दानापुर या पटना कहीं रहकर पढ़ाई करना पड़ता है हम लोग, उसके लिए व्यवस्था इधर दियर में कहीं नहीं है। हम लोग रोड में लेकर के जाते हैं दानापुर, दियर में इसका अस्पताल हॉस्पिटल का कोई व्यवस्था नहीं है, इस कारण से हम लोग को मरीज़ अगर इमरजेंसी है तो रास्ते में ही दम घुट जाता है, ज़्यादा इमरजेंसी है तो ले जाए जाए तो अस्पताल में भी ख़त्म हो जाता है, हम लोग को यही बहुत दिक्कत है। और पीपा पुल भी टूट जाता है तो हम लोग को समझिए कि और दिक्कत हो जाता है, अभी तो पीपा पुल है तो सही है, और नाविक का जो समय आ जाता है तो हम लोग को और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। बरसों बीत गया और दियारा के 6 पंचायत के लोग इसी आस में आज भी जी रहे हैं कि पक्का पुल का निर्माण किया जाएगा, तब दियारा के लोगों का भविष्य भी बदल जाएगा। दियारा के इलाके में आज़ादी के 75 वर्षों के बाद बिजली की रोशनी नजर आई, लेकिन आज भी बिजली पूरे समय तक मुहैया नहीं कराई जाती है। दियारा के लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं और खेती में बिजली पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में दियारा के लोगों को अब ये लगने लगा है कि बीच दियारा में बसेरा पर कोई भी पार्टी निगहबान नहीं होती है और ऐसे ही कछुए की चाल दियारा का विकास चल रहा है। शिक्षा को तब तकलीफ है कि बीमारी उमारी आता है, कुछ व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी नहीं है, आने जाने में भी दिक्कत है। हम लोग भी पक्का पूरा था भाई, इसे भी गाड़ी चल जाते, एम्बुलेंस में कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही आदमी लोग भटकते जाता है, साइकिल हुआ बाइक हुआ इसे जाता है लोग भटक के, रात में भी और दिक्कत समस्या है। और सरकार के लिए कोई यहाँ व्यवस्था नहीं देने के दरकार नहीं करता है, यहाँ आसपास में हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी नहीं है सर, ऐसे ही लोग चलता है। जो बीमारी हुआ तो अपना साइकिल से गया, अपना ऐसे पैदल टकरते गया,
अब क्या सरकार कुछ व्यवस्था नहीं दी है। कहाँ जाना पड़ता है? दानापुर तरफ जाना पड़ता है सर। पक्का पुल आता है तो यहाँ से लोग चल जाता है, एम्बुलेंस भी आ जाता है, बाकी पक्का पुल नहीं है ना गाड़ी की व्यवस्था है। जिससे बीमारी हो गया तो हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे बड़का, बाढ़ में दिक्कत होता है। सभी बात की बीमार हो गया तो आदमी को फजियत है, ना डॉक्टर है मिला तो मर भी जाता है आदमी, हिसाब को सही साल नहीं। जैसे ठंडे मार दिया कोई के चाचनक तो यहाँ हॉस्पिटल रहेगा तब ना कुछ लोग इलाज होगा लग ले तो ये सब हो जाता तो अच्छा होता, बात होता है सर। बाकी देने लगे क्षमता नहीं है सर। सब कोई जैसे जनता लोग हर दफे कहा इलेक्शन में, अभी अगला इलेक्शन में कहा लोग, बाकी नहीं देने दिया। कहता है लोग कि दे देंगे बाकी नहीं मिलता है। बहरहाल दियारा के लोगों के लिए पक्का पुल आवश्यक है और इसमें सरकार को कोई जगाने वाला नजर नहीं आ रहा है। खेती गृहस्थी सब ये सब होता है, गेहूं वेहूँ बोता है, छेमी उमी बोता है, सब हरा सब्जी उब्जी बोता है सर, बस ये सब बोता है। तकलीफ बाढ़ के समय में तो बहुत हम लोग को होता है, यही सब शौचालय उचालय के इस सब दिक्कत होता है सर, तो कुछ इमरजेंसी उमरजेंसी में ले जाना पड़ता है दानापुर हॉस्पिटल में, ये सब होता है दिक्कत, चार पाँच को चीज़ के सुविधा बस अस्पताल के दहाड़ में आते हैं, ये सब कुछ भाषण उछन करता है सब, जिसको पा लगता है कीड़ा मीठा बांट के चल गया हो गया काम। पुल पक्का पुल दिल में हम लोग चाह रहे हैं दानापुर में क्षेत्र में, तो तनका दिन से मांग हो रहा है पक्का पुल दियर क्षेत्र में, बोलेंगे सुने का सब तब सब दियर में आदमी सब तो बोलबे करता है आम पब्लिक के, दियर में पुल से दम पक्का पुल दम चाहिए चाहिए। देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।